Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salamu ala sayyidil anbiya wal mursalin amma ba'd fa'ud billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi laylatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين कुछ अर्ज़ो मारूज़ से कबल आइए हम आप मिलकर इंतहाई एहतराम अकीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत गुरबत खजरा में आराम फरमाने वाले आका और वहाँ फ़िदा जनाब महमद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेगस पनाह में झुम झुम कर दरुद पाक का हदिया चौक बाजुन पड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमेर मुबारक वसलम सलातम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाद पाक के चंद अशआर पेश खिदमत समाप्त करें। उनका मंगता आज की शब जिसे हम शब कद्र कहते हैं बड़ी ही इज़्ज़त वज़्मत और कद्र वाली रात तकदीर की रात आज की शब
अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ रूए ज़मीन पर नाजिल फरमाता है, और वो फरिश्ते मोमिनीन से मुसाफा भी करते हैं, मोमिनीन को सलाम भी करते हैं। तो आज की रात बड़ी बाबरकत, बड़ी मुकद्दस, और आज की रात जो है कि नुज़ूल कुरान की रात है। अल्लाह तबारक व तआला ने आज ही की शब में आसमान दुनिया पर कुरान पाक को नाजिल फरमाया। एक रात में पूरा कुरान नाजिल हो गया, लोहे महफूज पर आ गया, और फिर उसके बाद 23 साल की मुद्दत में पूरा कुरान थोड़ा थोड़ा नाजिल होता गया। यकीनन ये कुरान, ये किताब हिदायत है रहती दुनिया तक, क़यामत तक के लोगों के लिए। अल्लाह ने इसे मीनार नूर बनाया, इसे एक ऐसी रोशनी बनाया कि जिससे हम तारीकियों को दूर कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगियों में हिदायत हासिल करके अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को कामयाब बना सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी मुक़द्दस बाबरकत और ऐसी हिदायत वाली, रहनुमाई वाली किताब नाज़िल फरमाई कि जिसके ज़रिए से चंद सदियों पहले, 1400 साल पहले, एक ऐसी कौम के जो सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई कौम थी, इस किताब हिदायत कुरान ने उसे आसमानों तक पहुंचा दिया है। एक ऐसा मुआशरा कि जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, जो जहालतों की तारीकियों में डूबा हुआ था, इस किताब हिदायत कुरान ने उसे औज सुरैया तक पहुंचा दिया। एक ऐसी कौम कि जो एक छोटा सा गांव, एक छोटे से गांव पर हुकूमत नहीं कर सकती थी, इस कुरान पाक किताब हिदायत के सदक़े में उन्होंने पूरी रुए ज़मीन पर हुकूमत करना सिखा दिया। एक ऐसी कौम कि जो एक छोटी सी सोसाइटी कंट्रोल नहीं कर सकती, उसने पूरी रुए ज़मीन को कंट्रोल करना सीख लिया। जो तहजीब व तमद्दुन से बहुत दूर थे, जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजारते थे, उन्होंने इसी किताब हिदायत कुरान पाक से रोशनी हासिल करके वो दूसरों के आइडल बन गए, वो दूसरों के लिए हिदायत बन गए, वो दूसरों के लिए नमूना बन गए, वो दूसरों के लिए राह दिखाने वाले बन गए। अल्लाह ने इसी कुरान किताब हिदायत के ज़रिए उन्हें ऐसी रहनुमाई और हिदायत अता फरमाई कि जिससे उनकी दिलों की दुनिया बदल गई, उनके माशरे का हाल और उनके माशरे की सूरत तब्दील हो गई, उनकी पूरी ज़िंदगी। एक किताब के जो लाइफ चेंजर है, आज भी ये किताब कुरान पाक हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर सकती है, एक इंसान की ज़िंदगी को भी बदल सकती है, एक कौम और माशरे की ज़िंदगी को भी बदल सकती है, ये पूरी दुनिया की ज़िंदगी को चेंज कर सकती है। आज भी जो इस किताब को बग़ैर किसी तासुब के, बग़ैर किसी दुश्मनी के, अगर हक़ व हिदायत के लिए अगर इस किताब का मुताला करे, अल्लाह आज भी इस किताब के ज़रिए हिदायत अता फरमाता है। आज भी अगर खुदा कुरान का मुताला किया जाए, आप पढ़ें, तिलावत तो सब करते हैं, लेकिन तिलावत के साथ साथ ये किताब सिर्फ तिलावत के लिए नहीं बल्कि गौर व फिक्र के लिए है, तदब्बुर के लिए है, सोचने समझने के लिए है। आप अगर इस किताब में गौर व फिक्र करेंगे तो आप पर आफाक की पिनहाइयाँ ज़ाहिर हो जाएगी, आप पर ज़मीन व आसमान के राज खुलना शुरू हो जाएंगे। इंसानियत कैसे पैदा हुई, इंसान कैसे पैदा हुआ, इसकी उरूज के क्या क्या मनासिल हैं, कैसे इसने तरक्की की है, और कैसे इंसान आफाक में तरक्की करता गया, ये सारे राज अगर जानने हो तो कुरान मुकद्दस की आपको मुताला करना होगा। अगर आप किताब मुकद्दस कुरान पाक का मुताला करें, आपको पता चलेगा अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब को तिबयान लिकुल शय फरमाया। कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसका रोशन बयान कुरान में मौजूद ना हो। वला रतबी वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुशकतर ऐसा नहीं जो इस कुरान पाक में मौजूद
मौजूद ना हो। बस हमें इस किताब में गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। हम जिस फील्ड के आदमी हों, हम उसी फील्ड में अपने अपने बारे में कुरान पाक में देखें, मुताला करें। आप कुरान में गौर फिक्र करते जाएंगे, आपके दिमाग आपका दिमाग रोशन होता चला जाएगा, आपका दिमाग खुलता चला जाएगा, आपको नई नई राहें नज़र आएगी, आपको अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका नज़र आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने, आप अंदाज़ा करो कुरान पाक को जब नाजिल किया है, 13 साल मक्की ज़िंदगी में कुरान ने सिर्फ़ और सिर्फ ईमान पर तवज्जो दी है, ईमान पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। ऐ लोगों, ईमान ले आओ, ऐ लोगों तौहीद का दर्स हासिल करो। आप अल्लाह को जानना चाहते हैं, अल्लाह की सिफतों को जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं आपका रब कैसा है, आपका अल्लाह कैसा है, तो आओ कुरान का मुताला करो। अगर आपसे कोई सवाल कर ले कि तुम अल्लाह की इबादत करते हो, बताओ हमारा तो फला ऐसा है फला वैसा है, तुम्हारा अल्लाह कैसा है, क्या तुम जवाब दे सकते हो कि तुम्हारा रब कैसा है, तुम्हारा अल्लाह कैसा है? तुम्हारा एक जवाब होगा, हमने अपने अल्लाह को देखा नहीं है, हमें नहीं पता कि हमारा अल्लाह कैसा है। लेकिन आओ कुरान का मुताला करो, कुरान तुम्हें बताएगा तुम्हारा रब कैसा है, अल्लाह कैसा है, वो कहाँ है, उसकी क्या सूरत है। अल्लाह ने कुरान में सब बयान किया है, बस हमें पढ़ने की ज़रूरत है, हमें उसे समझने की ज़रूरत है। अगर आप कुरान का मुताला करें, आपको पता चलेगा अल्लाह ने इंसान को कैसे पैदा किया। अगर इंसान अपनी हकीकत को जान ले, अपनी हकीकत को समझ ले, और अल्लाह ने इंसान के ताल्लुक से कुरान में क्या क्या हिदायतें नाज़िल फरमाई, अगर इंसान सिर्फ इंसानियत को समझ ले, तो फिर इस मुआशरे में वो कामिल हो जाएगा, वो अफजल हो जाएगा, अल्लाह उसे आला मकाम अता फरमाएगा, सोसाइटी में उसे इज्जत की नज़र से देखा जाएगा। लेकिन हमने कुरान पाक को, जो इनकलाब वाली किताब थी, कुरान पाक के जो जिंदगियों में इनकलाब लाती है, जो मुआशरे सोसाइटी में इनकलाब लाती है, उस इनकलाब वाली किताब को, उस लाइफ चेंजर किताब को हमने सिर्फ बरकत वाली किताब बना दिया है। हम सिर्फ जब घर तामीर किया तो अब मौलाना सबसे पहले घर में क्या ले जाओ, भाई कुरान ले जा, कुरान बाबरकत किताब है, पहली चीज कुरान जानी चाहिए। हमने कुरान ले जाकर रख दिया, नया घर बनाया था बरकत के लिए, कुरान घर में ले गए और ताक में रखा, तो वह रखे का रखा रह गया। जब कभी माह रमजान आया तो हमने तिलावत के लिए निकाल लिया है, तिलावत की, और माह रमजान खत्म हुआ तो फिर कुरान भी खत्म हो गया, कुरान भी रख दिया गया। हमने कभी सिर्फ तिलावत तो की लेकिन कभी समझने की कोशिश ना की। अल्लाह हमें कुरान में क्या खिताब फरमाता है, कुरान ने हमें क्या हिदायतें अता फरमाई, हमने कभी समझने की कोशिश ना की। आज अगर हम ये जलील और रुस्वा हो रहे हैं, हम ख्वार हो रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमने कुरान की तालीमात को छोड़ दिया, हमने कुरान की तालीमात को फरामोश कर दिया है। अल्लामा इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही थी, वो मुअज्जज़ थे ज़माने में, मुसलमान होकर हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। हमने जब से कुरान छोड़ा है हम जलील और रुस्वा हो रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं, हमें हर जगह से ठुकराया जा रहा है। और एक ज़माना वो था कि एक हाथ में कुरान लेकर, ज़बान पर कुरान की तिलावत और कुरान के अहकामात लेकर, जब भी मुसलमान कौम, जब भी कौम मुस्लिम किसी बस्ती में उन्होंने कदम रखा, जिस शहर या जिस मुल्क में उतर गए हैं, अल्लाह ने उस शहर को फतह फरमा दिया है, अल्लाह ने उस बस्ती को बाबरकत बना दिया, वहाँ इस्लाम की रोशनी फैल गई है। आज हम अगर किसी बस्ती में चले जाएं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि कुरान मुकद्दस एक किताब है जो दो दफियों के दरमियान बंद बरकत के लिए हमने रख छोड़ी है। हमने कभी मुताला नहीं किया, समझने की कोशिश न की, हम बस उसे बरकत वाली किताब बना कर रखना चाहते हैं, ये बस चूमा चूम कर रख दिया है। जब भी नज़र पड़ी देखा, अरे धूल मिट्टी जमा हो गई, चलो साफ़ किया, चूमा फिर रख दिया। हम सिर्फ रखने के लिए कुरान को रखते हैं, कभी हमने मुताला ना किया, कभी हमने पढ़ने की कोशिश न की, कभी ये जानने की कोशिश न की कि कुरान हमसे क्या मुतालबा करता है, कुरान ने हमें ज़िंदगी जीने का क्या उसलूब दिया, क्या तरीका दिया। अगर ये कुरान किताब हिदायत है, हमारी रहनुमाई के लिए आया था, आप अंदाज़ा करें, आपके साथ यानी कि आप कोई भी चीज़ लाएं, कोई सामान लाएं, आपको यूज़ करना नहीं आता तो जानते हैं उसके साथ एक बुकलेट भी होता है, एक ऐसी यानी कि रहनुमाई की किताब भी होती है, गाइड होती है, जिसमें सारी चीज़ें सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं। आप उसे पढ़ते जाएं और पढ़ने के बाद आप उस चीज़ को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, उस चीज़ को इस्तेमाल कैसे किया जाए क्या ना किया जाए, ये सारी डिटेल्स उसके अंदर मौजूद है। आपने पढ़ लिया, आपको उसे ऑपरेट
ऑपरेट करना आ गया। अल्लाह ने जब इंसानों को दुनिया में इस ज़मीन पर उतारा तो 124,000 कम व बेश अंबिया इकराम के साथ किताबों को भी नासिल किया ताकि इस बुकलेट के ज़रिए से वो हिदायत हासिल करें, वो गाइडेंस हासिल करें और अपनी ज़िंदगी जीते जाएँ। आखिरी पैगम्बर, आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब भेजा तो अल्लाह ने एक आखिरी किताब ऐसी नासिल फरमाई जो सुबह क़यामत तक बाकी रहने वाली थी, जिसने अगली सारी किताबों को मिटा दिया, जिसने अगली सारी किताबों को मनसूख कर दिया, अगले सारे अहकाम ख़त्म कर दिए। अब कुरान मुकद्दस है जो क़यामत तक उस पर अमल किया जाएगा, अब इसी पर हुक्म चलेगा, अब इसी के ज़रिए हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर हम कुरान को समझ जाएँ तो फिर हम उसी आला मकाम पर आ सकते हैं, फिर हम तरक्की कर सकते हैं, फिर हम कौमों पर हुकूमत कर सकते हैं, हमारी हुक्मरानी हो सकती है। वो कौम, सारी कौमें कौम मुस्लिम के सामने अपना सर झुकाएगी उस वक्त जबकि हम कुरान का मुताला करें, हम कुरान को समझें और कुरान पर अमल करना शुरू कर दें। आप अंदाज़ा करें, अल्लाह ने कुरान में वैसे पूरे कुरान में बहुत ही हिदायतें अता फरमाई है, पूरी ज़िंदगी जीने के बहुत से उसलूब, आमाल सालेहा, मुनकरात, क्या क्या करें क्या ना करें सब बयान कर दिया। लेकिन जानते हैं एक मुख्तसर सी सूरत है, एक छोटी सी सूरत जो अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान की ज़िंदगी की तामीर के लिए बड़ी प्यारी सूरत नाज़िल फरमा दी है। इंसान इस सूरत में गौर व फिक्र कर तेरी ज़िंदगी सवर जाएगी। सूरह असर अल्लाह ने नाज़िल फरमाई, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र है। बस दो लाइन या तीन लाइन की छोटी सी सूरत है, लेकिन अल्लाह ने पूरी ज़िंदगी का तरीका बता दिया। बरअस्र ज़माने की कसम, यह ज़माने की कसम याद करके अल्लाह ने यकीनी बात इरशाद फरमाई। हालांकि अल्लाह की हर बात यकीनी होती है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन अल्लाह ने ज़माने की कसम याद फरमा कर अब हमें बगैर किसी शक व शुबा के एक ज़िंदगी जीने का तरीका बताया। ऐ लोगो सुन लो, तुम हर इंसान घाटे में है, हर इंसान खसारे में है, सिवाय उसके जो ईमान लाए और नेक आमाल करे। हमें सबसे पहली चीज़ ईमान की तलकीन की है। 13 साल मक्की ज़िंदगी में भी ईमान और यकीन पर तवज्जो दी गई। तुम ईमान और यकीन की यकीन पर तुम कामिल हो जाओ, जब तक ईमान और यकीन ना होगा तुम्हारा अल्लाह से रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता, और अगर अल्लाह से रिश्ता मजबूत ना हो तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद है। अगर तुम्हारा यानी बंदे और रब का रिश्ता मजबूत ना हो तो फिर ज़िंदगी बेकार है। अल्लाह ने इंसानों को इस रूए ज़मीन पर क्यों पैदा किया, क्यों भेजा? अल्लाह ने इस इंसान को क्यों पैदा किया, उसका मकसद पैदाइश क्या है, ये अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। तो सबसे पहली चीज़ ईमान है। ईमान और यकीन के ज़रिए हम अपना रिश्ता अपने रब से मजबूत कर सकते हैं, और जब ये रिश्ता मजबूत हो जाए, जब ये रिश्ता मजबूत होगा तो इंसान सारी कुव्वत व ताकत हासिल कर लेगा। उसके पास कुव्वत ईमानी होगी तो सारी कुव्वत व ताकत होगी। ईमान की कुव्वत ऐसी है कि फिर इंसान किसी से डरता नहीं, किसी से घबराता नहीं, वो फिर हर एक ताकत के सामने खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर ईमान कमज़ोर हो तो फिर वो कांप रहा होता है, वो डर रहा होता है, उसे यानी खौफ महसूस होता है। अगर आप बेखौफ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं अपना ईमान मजबूत करें, और अल्लाह फरमाता है अगर ईमान है तो फिर कामयाब ज़िंदगी, ईमान नहीं तो खसारे वाली ज़िंदगी है। पता चला कि कामयाब ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ मोमिनीन की है, और फिर ईमान के बाद जो दूसरे नंबर पर दूसरे दर्जे में अल्लाह ने जो इरशाद फरमाया वो है वामिलुस सालिहात, नेक आमाल। ये नेक आमाल ये हमारी ज़िंदगी को संवारने के लिए है, ये ईमान की मजबूती के ज़राए हैं, ये वास्ते हैं, ये ज़रिए हैं कि जिसके ज़रिए से हमारा ईमान मजबूत होता है। 13 साल मक्की ज़िंदगी में ईमान पर ज़्यादा तवज्जो दी गई। अमल के तौर पर सिर्फ एक नमाज थी और दूसरा तिलावत कुरान थी। नमाज कायम करो, कुरान की तिलावत करो। सहाबा ने मक्का में 13 साल तक यही दो काम किए, आमाल सालिहा के नाम पर सिर्फ ये दो काम, एक नमाज पढ़ना और दूसरा कुरान पाक की तिलावत करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक, सरकार इरशाद फरमाते हैं तुम अपनी औलादों को तीन चीज़ें सिखा दो, तीन चीज़ें सिखाओ। सबसे पहली चीज़ अल्लाह रसूल से मोहब्बत करना, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह रसूल की मोहब्बत तुम अपनी औलादों को सिखाओ, और उसके बाद
कुरान पाक की तिलावत करना सिखाओ, कुरान की तिलावत ये तुम सिखाओ। ये तिलावत सिखाओ का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ पढ़ना आ जाए, नहीं, बल्कि मतलब ये था कि कुरान पढ़ता भी हो, कुरान समझने भी लग जाए। अगर ना समझता हो तो समझने की कोशिश करे। आज दुनिया इतनी ज़्यादा यानी कि तरक्की पर है, इतनी तरक्की कर चुकी है कि हर इंसान के पास एंड्रॉयड फ़ोन अवेलेबल है, वो कुरान पाक कंजुल ईमान डाउनलोड करके पढ़ सकता है, मुताला कर सकता है, वो अपने कुरान को जान और समझ सकता है। अगर वो ना हो, ऑडियो में मौजूद है, वीडियो में तफासिर कुरान की तफसीरें मौजूद है, आप उसके ज़रिए अपने अल्लाह की किताब को समझ सकते हैं। आपने अगर ईमान और आमाल सालिहा ये दो चीज़ें इख्तियार की, और तीसरी चीज़ जो रब ने इरशाद फरमाई वो है सालेह मुआशरा, एक अच्छा माहौल। जानते हैं अगर किसी के पास कोई ज़्यादा इल्म और अमल ना हो, बहुत ज़्यादा इल्म वाला नहीं, बहुत ज़्यादा अमल नहीं, लेकिन एक अच्छा माहौल है तो बंदा खुद ब खुद नेक हो जाता है, खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर माहौल ख़राब है तो अच्छा बंदा भी बिगड़ जाता है। जो नमाज पढ़ने वाला था, बुरे माहौल की वजह से वो नमाज़ें तर्क कर देता है, इसलिए कि उसकी सोहबत, उसकी सोसाइटी, उसका माहौल बुरा है। तो हमें चाहिए कि जो तीसरी चीज़ है वो है माहौल, उसे हम अच्छा और दुरुस्त करें, हम सालेह मुआशरा कायम करें। अल्लाह ने इसी को फरमाया वतवासो बिलहक वतवासो बिसब्र, के जो हक की तलकीन भी करते हो, सब्र की तलकीन करते हो। हक की तलकीन कब की जा सकती है? हक की तलकीन करने के लिए हमें यानी कि जो हक की तलकीन करता है उसमें जिगर होना चाहिए, वो बेखौफ बोलने वाला होना चाहिए, वो बोल सकता हो। और जानते हैं अगर माहौल अच्छा होगा तो फिर हर कोई बोल सकेगा, वो किसी को बोल देगा चलो नमाज पढ़ने, वो सामने से नहीं कहेगा तू अपना काम कर, नहीं, वो फौरन अल्लाह का हुक्म समझकर वो मस्जिद की तरफ आ जाएगा। वो उसकी जबान पर कभी ये ना आएगा कि तू अपना काम कर, तू अपनी दे, ये जवाब कभी ना आएगा, बल्कि अगर माहौल अच्छा होगा तो फौरन उसके कहने को वो ये नहीं समझेगा कि ये फला ने कहा, वो समझेगा ये अल्लाह का हुक्म है जो मुझे सुना रहा है, अल्लाह ने इसकी जुबान पर अपना हुक्म जारी फरमाया है। मैं अल्लाह की बात तो डायरेक्ट नहीं सुन सकता, अल्लाह ने इसके जरिए मुझे पैगाम पहुंचाया है। तो फिर बंदा नमाज की तरफ आएगा, अच्छे आमाल की तरफ आएगा, बुरे आमाल से रुक जाएगा। तो तीसरी चीज़ है वो है अच्छा माहौल। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक की तिलावत के साथ साथ हमें कुरान को समझने की भी तौफीक अता फरमाए और कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।